आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मसीह मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, विश्वासी भक्तों एवं बच्चों, आप सबको जय यीशु। आज हम सामान्य काल के 16वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। यह रविवार हम सभी को आह्वान करती है कि हम प्रभु यीशु की चुनी हुई प्रजा हैं। प्रभु यीशु की चुनी हुई प्रजा होने के कारण हम उनके पुत्र पुत्रियां हैं, और जब हम उनके पुत्र पुत्रियां हैं तो प्रभु हम सभी से आशा करते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। जिनके पुत्र पुत्रिया होने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, हम उनके अनुसार आचरण करें। आइए, इसलिए आज हम जब इस रविवार में प्रभु के सानिधि में आए हुए हैं, प्रभु के चरणों में आए हुए हैं, इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए हम आए हुए हैं, आइए हम नतमस्तक होकर के उन्हें प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, उन्हें ख्रीस्त की आराधना करें जिन्होंने हमें बुलाया है। इसलिए सबसे पहले हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने जीवन को झांक कर देखें। प्रभु यीशु वचन के माध्यम से बारंबार हमसे कहते हैं, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रभु हम सबसे प्यार करते हैं, प्रभु हमें मूल्यवान की संज्ञा देते हैं, लेकिन क्या हम उनके अनुसार आचरण करते हैं? आइए, यदि हम अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, दैनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, यदि हम प्रभु यीशु के पुत्र पुत्र के जैसे आचरण नहीं किया है, उसके लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि ईश्वर हमें शुद्ध करे, जिससे हम योग्य रीति से इस पवित्र बलिदान में भाग लेने के लायक बने। प्रभु का वचन कहता है, बालक क्या तूने पाप किया तो ऐसा मत करो, पुराने पापों के लिए प्रायश्चित करो और मेरे पास लौट आओ। सांप की सामने की तरह पाप से दूर भागो, नहीं तो वह तुम्हें काट डालेगा। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य से सरसा दूतों संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा
हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। आइए हम इस समय बड़ी ही भक्ति और आनंद के साथ महिमा गान गाएं। महिमा 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 पूजे नव में महिमा, महिमा 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 पूजे नव में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गान, धन्य तुझे हम कहते, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 तुझे नव में महिमा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है, यीशु कृष्ण यज्ञ लोक पुत्र तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 तुझे नव में महिमा, जगत के सारे पाप के हार हम पे दया को रखना सदा, पिता के गाए विराजता को बिनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 तुझे नव में महिमा, के संग तू पावन तू प्रभु पिता की महिमा सर्वपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा 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 तुझे नव में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु अपने सेवक सेवकाओं पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं का पालन में सदा तत्पर रहें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगन युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। मुक्ति का संदेश सुनने का आपको प्रभु आशीर्वाद दे, ताकि आप योग रीति से वचन सुन सको पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1-6। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन को जो मेरे चरागर के भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देता है। इसलिए प्रभु इसराइल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वालों से यह कहता है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकाने और तितर बितर हो जाने दिया, तुमने उनकी देख रेख नहीं की। देखो मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा, इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर लूँगा जहाँ मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूँगा और वे फलेंगी फूलेंगी।
मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूंगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। तब उन्हें न तो भय रहेगा, न आतंक, और न उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्याय वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्यकाल में यूदा उद्धार होगा और इसराइल सुरक्षित रहेगा, और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा, मेरा हृदय बदल गया, मेरे जीवन वचन तेरा मन को मेरे पाठ। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 13 से 18 तक। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी, उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों वाली संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया। आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम लोगों दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 जय घोष। अलिलुया अलिलुया।
प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 वाक्यांश 30 से 34 तक। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने के भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहाँ पहुँच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत से बातों की शिक्षा देने लगे। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों एवं विश्वासी भक्तों, आज का वचन समारोह हमें प्रभु यीशु के व्यक्तित्व को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। आज का वचन में हमने सुना, विशेष करके पहले पाठ में, कि नबी यिर्मयाह जो प्रभु यीशु के जन्म के करीब 600 साल पहले थे, उस समय की परिस्थिति कुछ अलग थी। उस काल में राजाओं की तुलना गडेरियों से की जाती थी। हम सभी गडेरियों के कार्य से अवगत हैं। गडेरियों का कार्य है अपनी भेड़ों की रक्षा करना, अपनी भेड़ों को चराना और उनको सुरक्षित स्थान पर ले चलना, उनकी अगुवाई करना। यहूदा के राजा अपनी बुलाहट के अनुसार जीवन बिताने तथा कार्य करने से पीछे हटते थे। वे अपनी प्रजा की देखरेख ठीक से नहीं करते थे। इसलिए आज के पाठ में हम सुनते हैं नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर उन्हें चेतावनी देते हैं और कहते हैं, तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। ऐसे ईश्वर नबी यिर्मयाह के द्वारा उन्हें अपनी चुनी हुई प्रजा को ये कहते हैं, तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दंड दूंगा। जब हम इन बातों पर मनन चिंतन करते हैं, इन वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, हम पाते हैं कि आज भी हम उसी परिस्थिति में जीवन जीते हैं, उसी परिस्थिति में हम बढ़ते पलते हैं। ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा की देखरेख करने के लिए हम सभी को जिम्मेदार व्यक्ति बनाया है। अगर यह जिम्मेदारी हम नहीं निभाते हैं तो हम भी दंड भोगने के योग्य बन जाते हैं। इस देश की रक्षा करने के लिए प्रभु ने राजनीतिक नेताओं को चुना है और राजनीतिक नेताओं का कार्य है देश के हित में बातें करें, राष्ट्र की रक्षा करें, सबों को समानता से देखें,
देश में शांति स्थापित करे, भाईचारा स्थापित करे, एक साथ मिलकर के लोगों के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, सबों के हित के लिए कार्य करे। और माता पिताओं का कर्तव्य है, वे बड़े ही ईमानदारी से अपने बच्चों की परवरिश करे, बच्चों की देखरेख करे, अच्छा संस्कार उन्हें दे और हर पल हर क्षण वे उनकी अगुवाई करे। उसी भांति हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, कॉलेजों में, स्कूलों में, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम अध्यापक के अधीन रहते हैं। इसी प्रकार अध्यापक का कार्य है अपने छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा देना, ईमानदारी से अपना बहुमूल्य समय अपने विद्यार्थियों के लिए देना। यदि हम सभी इन सभी कार्यों के करने में मुकर जाते हैं, चाहे पीछे हटते हैं, तो हम वास्तव में ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। साथ ही हम आज के पहले पाठ जो नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, हम पाते हैं प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर लूँगा जहाँ मैंने उन्हें बिखेर दिया है, उन्हें मैं अपने मैदान वापस ले चलूँगा और वे फलेंगे फूलेंगे। इस वचन के माध्यम से प्रभु पुनः हमें आश्वासन देते हैं, प्रभु जब प्रेमी पिता है, सबों का रक्षक है, सभी के हित सोचने वाला है, सभी को अपने अधीन रखने वाला ईश्वर ये आश्वासन देते हैं कि मैं अपनी बिखरी हुई प्रजा को, बिखरी हुई भेड़ को मैं पुनः अपने मैदान पर एकत्रित करूँगा और उन्हें हरे भरे मैदानों पर ले चलूँगा जहाँ पर वे शांति के साथ वे अपना जीवन बिताएंगे। इसलिए जब हमें प्रभु आह्वान दिए हैं उनके पुत्र पुत्र बनने के लिए, उनके भेड़े बनने के लिए, हम सभी का कर्तव्य है कि हम उनके अधीन रहें, उनके आज्ञाओं का पालन करें, उनके हुक्म को माने। यदि हम इन सभी कार्य को करेंगे, उनके अधीन रहेंगे, तो हम वास्तव में विचलित नहीं होंगे, हम तितर बितर नहीं होंगे, हमारा सत्यानाश नहीं होगा, हम विनाश की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु जो प्रेमी पिता हैं, हम सबका पिता है, हमें पुनः अपनी ओर अग्रसित होने के लिए अपनी ओर बुला रहे हैं। इसी के साथ हम आगे देखते हैं आज के सुसमाचार में प्रभु अपने शिष्यों को आराम करने के लिए वाद्य करते हैं। हम इस संसार में अपना जीवन जीते हैं। इस संसार में हम तीन प्रकार के लोगों को देखते हैं, एक जो अपना कर्तव्य अपनी क्षमता के अनुसार निभाते हैं, हम अपनी क्षमता को जानते हैं और उसी क्षमता के अनुसार हम कार्य करते हैं, उसी क्षमता के अनुसार हम अपने आप को यह ढालने का प्रयास करते हैं, उसी क्षमता के अनुसार हम अपना पैर पसारते हैं। हम दूसरे प्रकार के लोगों को देखते हैं जो काम को जीवन समझते हैं और हमेशा अपने काम में ही लगे रहते हैं, उन्हें कभी फुर्सत नहीं मिलता है, वे सोचते हैं कि काम ही जीवन है, वे निरंतर काम करते रहते हैं, चाहे थकावट हो, दिन हो, रात हो, हर पल हर क्षण वे अपने काम में लगे रहते हैं। एक प्रकार के लोग ऐसे भी हैं जो आलसी हैं, वे काम करना नहीं चाहते हैं, वे सिर्फ दूसरे से काम निकालना चाहते हैं लेकिन वे स्वयं काम करना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीनों प्रकार के लोग इस संसार में दिखाई देते हैं। आज प्रभु यीशु हमें पुनः ये वाद्य करना चाहते हैं, क्योंकि हम उनकी चुनी हुई प्रजा हैं, जब हम उनके कार्य में लगे रहते हैं हमें भी आराम करने की आवश्यकता है, लेकिन वो आराम नहीं जब हम प्रभु यीशु के जो उपस्थिति से दूर भाग जाते हैं। हमें ऐसे आराम चाहिए जहाँ पर मैं
और प्रभु, आप और प्रभु एक साथ विश्राम करते रहते हैं। इसलिए आज का तीनों पाठ हम सभी को आह्वान देता है कि हम प्रभु यीशु की चुनी हुई प्रजा होने के नाते हम उनके बृहद परिवार के सदस्य बन गए हैं। हम कैसे प्रभु यीशु की बृहद परिवार के सदस्य हैं? हम विश्वास के द्वारा उनके बृहद परिवार के सदस्य बन गए हैं। चाहे हम किसी भी परिवेश में रहते हैं, चाहे हम किसी भी देश के किसी भी कोने में रहते हैं, यदि हम विश्वास करते हैं, एकमात्र ईश्वर पर विश्वास करते हैं और अपना कर्तव्य निभाते हैं, प्रभु का प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, यदि मैं एक धर्म प्रचारक हूँ तो उस कार्य को ईमानदारी से यदि मैं करता हूँ, तो इस प्रकार से मैं प्रभु यीशु के बृहद परिवार के सदस्य मैं बन जाता हूँ। आज तीनों पाठ हमें पुनः ये आह्वान कर रहा है कि हम प्रभु यीशु के जो पुत्र पुत्रियाँ हैं और प्रभु यीशु ने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उन जिम्मेदारी को हम कैसे निभाते हैं। यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं, यदि हम जो प्रभु यीशु द्वारा दिए गए जिम्मेदारी को हम ईमानदारी से निभाते हैं, तो हम उनके दत्तक पुत्र पुत्रियाँ बन जाते हैं। आज आइए, जब प्रभु यीशु की पुकार सुनकर के हम इस यूखरिस्त समारोह में भाग लेने के लिए आए हुए हैं, आइए हम पुनः हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी सुरक्षा दें, हमें अपना आशीर्वाद दें और हमेशा उनके छत्र छाया में बनने के लिए हमें विशेष आशीष दें, ताकि हम अपने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा सकें, सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम एक दूसरे के लिए नमूना बन सकें, एक दूसरे के लिए हम मध्यस्थ बन सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, पृथ्वी सदृश अदृश्य वस्तुओं की सृष्टि करता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुए और ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर, वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है, वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ हुआ, वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है, वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है, वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है, वह नबियों के मुख से बोला है, मैं पवित्र कार्तिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ, मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे संचित करे। हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और सभी सुसमाचार सुनाने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे दयालु पिता ईश्वर, तू उन्हें अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे,
जिसे वे पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर आपकी वचनों को संसार के कोने कोने तक फैला सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम सभी बीमार से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो बहुत दिनों से बीमार है और ठीक नहीं हो रहे हैं। प्रभु, तू चंगाई दाता है, आप अपनी आशीष से भर दीजिए ताकि वे आपकी आशीष को अपने जीवन में महसूस कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से परेशान हैं। हे प्रभु, तू उन लोगों पर दया कर एवं उन सभी का सहारा बन जिससे वे आपको पाकर अपना जीवन बिता सके एवं आपकी महिमा का अनुभव कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम उन युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि आपसे दूर चले गए हैं। प्रभु, तू उन सभी का मार्ग दिखा एवं उनके आपके पवित्र आत्मा से विभूषित कर ताकि वे सही मार्ग का चयन करते हुए अपना जीवन बिता सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग गरीब एवं बेघर हैं। प्रभु, तू उन लोगों की जरूरतों को जानता है। प्रभु, तू उन लोगों को अपने जरूरत के अनुसार पूरा कर ताकि वे आपकी महिमा देखे एवं आपके में विश्वास कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम पुनः एक पल शांत होकर के, मौन होकर के हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन लोगों ने हमें प्रार्थना के लिए विशेष मदद मांगी है। प्रेमी प्रभु, हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में अपनी आशीष कृपा का बारिश करें ताकि हर जन, हर परिवार प्रभु यीशु के बिरत परिवार में सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचना स्वीकार कर। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, पेट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, पेट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, पेट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, सब कुछ तेरा, कुछ भी न हो कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, कुछ भी न हो कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, चढ़ाने आए।
करो, भेंट हमारी स्वीकार करो, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेवकाओं के यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमामार्थ जो भेंट चढ़ाई है, सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। यह प्रार्थना सुन लें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार को इतना प्यार किया कि दया से द्रावित होकर हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता को भेजा जो पाप को छोड़कर सब प्रकार से हमारे सदृश जीवन बिताए और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं बातों को हम लोगों में देखकर तो प्रसन्न होता रहे। उनकी आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा उल्लंघन द्वारा हमने पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पावन 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 ईश, पावन 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 ईश, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाते तेरी सारी, स्तुति तब गाते तेरी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश, पावन 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 ईश। हम इस पवित्र बलिदान के सबसे मुख्य भाग में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, आइए हम बड़ी भक्ति के साथ हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो
तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष योजिन जोसेफ और सभी याचकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया के सुधी लें तथा इसे प्रेम में स्थित बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधी लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर के पवित्र तत्व का स्तुतिगान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर अदिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर एक दूसरे को शांति के अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य है वे जो इस मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझसा दिखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझसा कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से चले जहां, तेरा नजारा कहां कहां, तेरी ही दया से चले जहां, तेरा नजारा कहां कहां, तेरी जमीन आसमान तेरी सब दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु, सच है ये मेरे यीशु, सच है ये मेरे यीशु। प्रभु कहते हैं, देखो मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उनके घर में प्रवेश करके उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है, हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, हे भले प्रभु जीवित प्रभु, हे भले प्रभु जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी